दोस्तों, काफी समय पहले की एक बात है। श्याम नाम का एक व्यापारी था। वो बहुत लालची और आलसी था, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। एक दिन वह व्यापार के कुछ काम से पास के गांव में गया था। वापस आते समय वह जल्दी से घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से घर की ओर आगे बढ़ रहा था। चलते चलते रात बहुत हो रही थी, इसलिए श्याम ने फैसला किया कि वह रात जंगल के किसी सुरक्षित स्थान पर बिताएगा। श्याम अपने लिए सोने की सुरक्षित स्थान खोज ही रहा था कि उसकी नज़र एक विचित्र गुफा पर पड़ी, जो एक पत्थर से ढका हुआ था। श्याम ने सोचा, यह स्थान विश्राम के लिए सही है, यहाँ वह जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेगा। जैसे ही उसने गुफा के पत्थर को हटाया तो उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। श्याम डर गया। उस गुफा से एक डरावना जिन निकला। जिन ने कहा, मालिक, मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। श्याम डर से कांप रहा था। जिन बोला, मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। असल में उस जीन को श्राप था कि जब कभी वह खाली बैठेगा और उसके सामने कोई मनुष्य होगा तो वह उसे खा जाएगा। श्याम ने सोचा, अरे वाह, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, यह जीन मेरे सभी काम कर देगा। बस मुझे इसे हमेशा कामों में व्यस्त रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। श्याम ने जिन से कहा, मुझे सोने के लिए कोई सुरक्षित स्थान पर ले चलो। जिन तुरंत उसे जंगल में पुराने किले में ले गया। श्याम ने दूसरी ख्वाहिश रखी, जाओ मेरे लिए कोई दुनिया की सबसे कीमती खजाना लेकर आओ। उस जिन ने तुरंत उसे कीमती हीरो का खजाना लाकर दे दिया। श्याम ने तीसरी ख्वाहिश रखी, मुझे मेरे घर ले चलो। जिन ने तुरंत श्याम को घर पहुंचा दिया। इस तरह जिन ने श्याम के सभी कामों को कुछ ही पलों में कर दिखाया। श्याम ने कहा, जिन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम थक चुके होगे, तुम जाकर आराम कर लो। जिन ने कहा, नहीं मालिक, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। श्याम परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास अब और कोई काम नहीं था। इसी बीच श्याम की पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? श्याम ने कहा, दे तो सकती हो, पर तुम इसे क्या काम दोगी? पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूंगी। पत्नी जिन के पास जाकर बोली, जिन, तुम जाओ और हमारे बंदर की पूंछ को सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह सीधी होनी चाहिए, नहीं तो तुम जीवन भर इस सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहोगे, तुम इस सीढ़ी की चक्कर लगाते रहोगे। जिन अपने काम के लिए चला गया। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके आलस्य और लालच के कारण वो ऐसे परेशानी में अपने पूरे परिवार के साथ फंस गया है। श्याम ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और कहा, अब मैं कभी आलस्य नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि आगे इसे क्या काम देंगे। यह अपना काम करके आता ही होगा, यह हमें मार डालेगा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। श्याम की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं, चिंता मत करो, वो कभी भी बंदर की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा, पर आप मुझे वादा कीजिए
कि आप अब से अपने सारे काम खुद करेंगे और कभी लालच और आलस्य नहीं करेंगे। श्याम की पत्नी ने बिल्कुल सही कहा। जिन ने रात भर लाख कोशिशों के बाद भी बंदर की पूंछ को सीधी नहीं कर पाया और सजा के तौर पर जीवन भर सीढ़ी के चक्कर लगाता रहा गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें तीन सीख मिलती है। पहला, प्यारे बच्चों, आप में बहुत कुछ करने की शक्ति है, लेकिन आलस्य आपके क्षमता को समाप्त कर देता है और आपको परेशानी में डाल देता है। आलस्य मत करो, अपने सभी काम अभी तुरंत और स्वयं ही करो, ताकि भविष्य में तो मौज छोड़ा सको। दूसरी, परेशानी से मत डरो, भगवान को प्यार से याद करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो तुम बड़े से बड़े परेशानी को भी समाप्त कर सकते हो। खुद पर यकीन करो। और तीसरा, लालच हमारे जीवन में परेशानियों को बुलावा देता है। हमारे पास जो भी है हमारे लिए काफी है।